लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं उन सबको सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है नए सत्र में, और इसके लिए प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जा चुका है। लेकिन क्या इस बार लोकसभा के स्पीकर को लेकर कोई चुनाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि स्पीकर कौन हो और डिप्टी स्पीकर का पद किसे दिया जाए, इसे लेकर खूब राजनीति चल रही है। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाला 14 वाली स्थिति संसद में नहीं है। मुझे लगता है कि टीडीपी स्पीकर की पोस्ट पर अड़े हैं। कार्यकाल किसका है? 7 बार बड़ी संख्या होती है या 8 बार बड़ी होती है? तो जो आप बना रहे हो मुश्किल से 2-3 दिन 4 दिन चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर चयन का मुद्दा एनडीए और गठबंधन इंडिया दोनों के लिए पहली अग्नि परीक्षा है। स्पीकर चयन के जरिए पहले तो एनडीए में यह तय होगा कि सहयोगी कितनी मजबूती के साथ हैं, सहयोगी दलों के बीच आपसी सामंजस्य कितना है, सरकार के अंदर कितनी एकजुटता है। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो मुद्दा बनाया और इतना गलत हरकत कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत सीनियर सांसद हैं उनको मेहताब साहब को नियुक्त किया है, चुपचाप कांग्रेस जाकर वहां शपथ ले। अपोजिशन या बाकी लोगों का काम कहने का है वो कहेंगे, वो कहते रहें, सरकार ने अपना काम करना है वो करेगी। दूसरी तरफ स्पीकर का मुद्दा विपक्षी गठबंधन के लिए भी पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जाएगा। इससे यह तय होगा कि एनडीए सरकार में सहयोगियों के बीच खटपट को लेकर विपक्षी गठबंधन के दावों में कितना दम है, विपक्षी गठबंधन के सरकार गिराने के दावे कितने मजबूत हैं, विपक्षी गठबंधन स्पीकर के मुद्दे पर जेडीयू और टीडीपी में बगावत की चिंगारियां ढूंढ रहा है। हालांकि जेडीयू और टीडीपी दोनों स्पीकर के मुद्दे पर बीजेपी के फैसले पर अपनी पूर्ण सहमति दे चुके हैं, जो विपक्षी गठबंधन की उम्मीदों के लिए किसी झटके से कम नहीं। स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है, और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के लिए। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है, और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। एनडीए सरकार के लिए सहयोगियों की सहमति के बावजूद स्पीकर का चयन आसान नहीं होता दिख रहा, क्योंकि विपक्ष डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है। डिप्टी स्पीकर का पद न मिलने पर स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान कर चुका है। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी जिनका भी 8वां टर्म है। इस बार देखिए कोडिकुनल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्तृहरि महताब को जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। तो इसके मुझे समझ में नहीं आता। अब संसद सत्र में स्पीकर पद के लिए चेहरा किसका है, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। आजाद भारत में स्पीकर हमेशा आम सहमति से बनता आया है, इस पद के लिए कभी चुनाव नहीं हुआ। इस बार डिप्टी स्पीकर के लिए सत्ता और विपक्ष की लड़ाई के चलते संसद नई परंपरा को जन्म लेते देख सकती है। स्पीकर पद को लेकर एनडीए और विपक्षी गठबंधन में इतनी तनातनी क्यों है? इसका जवाब स्पीकर को मिलने वाली शक्तियों में शामिल है। स्पीकर सदन का सबसे शक्तिशाली नेता होता है, जिसके आदेश का पालन प्रधानमंत्री भी करते हैं। सदन में स्पीकर का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। संसद स्थगित करने या किसी सांसद को सस्पेंड करने के अधिकार स्पीकर के पास होते हैं। नेता विपक्ष को मान्यता देने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। सदस्यों को योग्य या अयोग्य ठहराने का अधिकार स्पीकर के पास ही होता है।
विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। स्पीकर की भूमिका को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान टीडीपी सांसद जीएमसी बालयोगी को अटल सरकार में स्पीकर बनाया गया था। 13 महीने पुरानी अटल सरकार को सदन में विश्वास मत हासिल करना था। बालायोगी ने ओडिशा के कांग्रेस नेता गिरधर गमांग को वोट डालने का अधिकार दे दिया था, जबकि वो कुछ दिन पहले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। ऐसे में लोकसभा के लिए उनका वोट डालना स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता था। गमांग के वोट के कारण वाजपेयी विश्वास मत हारने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे और विपक्ष में 270 वोट पड़े। अटल सरकार एक वोट से गिर गई। ये सवाल ऐसा नहीं है जिस पर राजनीतिक दलों में होड़ हो। इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं है और एनडीए सरकार में टीडीपी फिर अहम सहयोगी की भूमिका में है, लिहाजा स्पीकर पद की लड़ाई महत्वपूर्ण होती दिख रही है।